ईरान में पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास सिलसिलेवार दो विस्फोट हुए। इन विस्फोटों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 103 हो चुकी है, जबकि घायलों की संख्या 170 के पार है। ये धमाके सुलेमानी की चौथी बरसी पर हुए एक समारोह को निशाना बनाकर किए गए। वहीं इस हमले के बाद ईरानी राष्ट्रपति इसराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हमलों के बाद कहा कि मैं ज़ायोनी शासन को चेतावनी देता हूं, इसमें संदेह मत करो, तुम्हें इस अपराध की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये अपराध जो तुमने किए हैं, तुम्हें बहुत पछतावा होगा। यानी इब्राहिम रईसी इन धमाकों के लिए इसराइल को जिम्मेदार मानते हैं। वहीं अमेरिका का दावा है कि इन हमलों में इसराइल का हाथ नहीं है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बयान जारी करते हुए प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हमारे पास इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है कि ये कैसे हुआ या इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है। इस समय हमारे पास ऐसा कोई संकेत नहीं कि इसराइल किसी भी तरह से इसमें शामिल था। ईरान में ये धमाके करमान शहर में साहिब अल जमान मस्जिद के पास हुए हैं, जहाँ सुलेमानी की कब्र है और उसकी मौत की चौथी बरसी पर भारी संख्या में लोग जुटे थे। हमले से पहले की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरों में भीड़ साफ देखी जा सकती है। कितनी भारी संख्या में लोग इस समारोह में पहुंचे, इन सैटेलाइट इमेजेस से पता चल रहा है। ईरान के करामन शहर में ईरानी सेना के पूर्व जनरल सुलेमानी की कब्र के पास पहला धमाका हुआ, इसके बाद दूसरा धमाका हुआ। करमान के डिप्टी गवर्नर ने इस विस्फोट को आतंकी हमला करार दिया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने सूत्रों के हवाले से बताया कि घटनास्थल पर दो बम बैग मौजूद थे जिनमें ये ब्लास्ट हो गया। ऐसे में लगता है कि इन बमों को रिमोट कंट्रोल की मदद से डिटोनेट किया गया। घटना की ऑनलाइन फुटेज में विस्फोट के बाद भीड़ की भगदड़ भी देखी जा सकती है। इन विस्फोटों के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। फिलहाल बड़ी संख्या में एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। कहा जा रहा है कि भगदड़ मचने की वजह से कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बता दें, जिस पूर्व जनरल सुलेमानी की कब्र के पास ये धमाका हुआ, उसकी मौत 3 जनवरी 2020 को बगदाद हवाई अड्डे पर अमेरिकी ड्रोन से हुआ। ईरान में सुलेमानी एक कद्दावर शख्सियत था। इसे ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्ला अली खामेनी के बाद देश का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।